वेलकम टू सोच टॉक। फिल्म के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी के बीच 0.4875 पर फाइट चल रहा है, जो कि 1999 के कारगिल वॉर में हुआ था। आगे हमें विक्रम का बचपन दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनका बॉल बड़े लड़कों के पास चला जाता है। विक्रम लड़कर अपनी बॉल लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पता चलता है विक्रम बहुत बहादुर और जिद्दी हैं। आगे दिखाया जाता है विक्रम को बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना था। आगे बढ़कर 21 साल की उम्र में IMA में 1.5 साल ट्रेनिंग करके 23 साल की उम्र में वो एज अ लेफ्टिनेंट 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में आर्मी ज्वाइन करते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद एक मंथ में विक्रम सभी जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन से फ्रेंडली हो जाते हैं। आगे वो कोलाबाद चेक पोस्ट पर जाते हैं, जहाँ इन्हें हथियारों की टिप मिली होती हैं। वो लोग सभी व्हीकल्स को चेक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ टेररिस्ट आते हैं जिनकी टिप इन्हें मिली होती हैं। इनके बीच फाइट स्टार्ट होता है। विक्रम के सीनियर संजीव विक्रम को फायरिंग करने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ सिविलियन भी होते हैं, पर विक्रम कमांड नहीं मानते, इसीलिए संजीव विक्रम पर गुस्सा करते हैं। फाइट में एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है। फाइट में एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ विक्रम संजीव की जान बचाते हैं, इसीलिए इनके बीच दोस्ती हो जाती है। बेस पर पहुंचने पर विक्रम को उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल का लेटर मिलता है। आगे हमें विक्रम का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो डिंपल से मिलते हैं। वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, फिर वो कुछ दिन साथ घूमते हैं और डेटिंग करते हैं। एक दिन अचानक रोड के बीच में विक्रम डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। डिंपल हाँ बोल देती है, पर ये सब डिंपल के पापा देख लेते हैं। फिर विक्रम डिंपल के घर जाते हैं, वहाँ उनके पापा से बात करते हैं, पर डिंपल के पापा विक्रम को डायरेक्ट उनकी रिलीजन बेसिस पर रिजेक्ट कर देते हैं। तो विक्रम एक प्लान बनाते हैं। वो अपने पापा के पास जाकर बोलते हैं कि उन्हें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, पर उनके पापा समझ जाते हैं कि ये लड़की के चक्कर में ऐसा बोल रहा है। वो ये बात पूरे फैमिली को बताते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और उन्हें रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं होता। डिंपल के पापा डिंपल को एक लड़का से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, पर डिंपल साफ मना कर देती है और बताती है कि विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला है, जिसमें इनकम ज़्यादा होता है। और वो ये भी बोलती है कि अगर उनकी शादी विक्रम से नहीं हुई तो वो किसी और से कभी शादी नहीं करेगी। विक्रम का दोस्त उसे समझाता है कि आर्मी उसका बचपन का सपना है, उसे किसी लड़की के कारण मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। विक्रम थोड़ा सोचता है और फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करना है। वो ये बात डिंपल को बताता है। डिंपल थोड़ा नाराज होती है और बोलती है बिना आर्मी ज्वाइन किए वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां विक्रम और संजीव के सीनियर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हैदर के खास आदमी को पकड़ा होता है। हैदर वहां का टेररिस्ट का हेड होता है, जो वहां के टेररिज्म को मैनेज कर रहा होता है। आगे विक्रम एक सोल्जर के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी कपूर मियाँ वहां के सिटीजन विक्रम को अकेले में बुलाते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा टेररिस्ट के साथ चला गया है, पर अब वो सुधरना चाहता है। विक्रम उसे एज अ स्पाई यूज़ करना चाहता है ताकि बाकी टेररिस्ट को पकड़ने में आसानी हो। कपूर मियाँ मना कर देते हैं, पर उनका बेटा असलम इस बात के लिए मान जाता है। असलम विक्रम को टेररिस्ट के वेपन्स का पता बताता है। विक्रम वहाँ रेड करता है और बहुत सारे वेपन्स सीज कर लेता है। वो वेपन्स को बेस पर ले जा रहे होते हैं, तभी उन पर अटैक होता है और अटैक में बहुत सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। विक्रम गुस्से में असलम से हैदर का ठिकाना मांगता है और असलम बता देता है। विक्रम अपने सीनियर के साथ हैदर पर रेड मारता है, हैदर मारा जाता है। हैदर की मौत बड़ी जीत होती है, पर वो एक बड़ी वॉर में तब्दील होने वाली थी। इधर विक्रम छुट्टी लेकर घर वापस आता है, उधर पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन मिलिट्री बंकर्स को कैप्चर करने लगते हैं। डिंपल विक्रम को गुरुद्वारा लेकर जाती है, वहाँ वो प्रेयर कर रही होती है और विक्रम डिंपल की चुन्नी पकड़ कर चार चक्कर लगा लेता है और उनका सिख रिवाज से शादी हो जाता है। वो लोग साथ में घूमते हैं एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विक्रम न्यूज़ पर देखता है कि बॉर्डर की कंडीशन ख़राब होती है, पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी पर अटैक कर रहे होते हैं। वो अपने दोस्त से ये भी बोलता है कि वो इस बार तिरंगा लहरा कर आएगा, नहीं तो उसमें लिपट के आएगा। विक्रम वापस बॉर्डर जा रहा होता है, तभी डिंपल उसे मिलने बस स्टैंड आती है। डिंपल इनसिक्योर फील कर रही होती है, इसलिए विक्रम अपनी उंगली काट कर उसकी मांग भर देता है। विक्रम बॉर्डर पर वापस आ जाता है। अब वॉर शुरू होने वाली थी।
13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल घुंघरी बेस पर पहुंचते हैं। वहां टॉप से पाकिस्तानी सोल्जर्स अनसर्टेन अनआर्म्ड इंडियन सोल्जर्स पर दूर से ही अटैक कर देती हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। अब 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स वॉर पर जाने वाली होते हैं। उनके कमांडर सबको कोड नेम देते हैं ताकि किसी का नाम रेडियो कम्युनिकेशन के टाइम रिवील ना हो। विक्रम भत्रा को कोड नेम मिलता है शेर शाह। उन्हें 0.5140 को रिकैप्चर करना होता है, जो कि 17,000 फीट की हाइट पर होता है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इसे कैप्चर करने का टास्क विक्रम एंड संजीव के टीम को दिया जाता है। कमांडर इन्हें प्लान बताते हैं कि संजीव की ब्रावो टीम ईस्टर्न साइड से रेड करेगी और विक्रम की डेल्टा टीम साउथ से। वो रात को रेड करने निकल जाते हैं। मेन बेस से कमांडर फायरिंग चालू रखते हैं ताकि पाकिस्तानी आर्मी उनमें इंगेज रहे। सुबह होते ही संजीव और विक्रम मिलकर एक इंटेंस फाइट के बाद 0.5140 को रिकैप्चर कर लेते हैं। विक्रम के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाता है और उनका इंटरव्यू भी होता है, जो सभी लोग देखते हैं। 0.4875 को भी रिकैप्चर करने का टास्क 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दिया जाता है, जिसको कैप्चर करने के बाद इंडिया वॉर जीत जाती। विक्रम को एक इंटेंस फाइट के बाद रेस्ट दिया जाता है, पर उनके जीत करने के बाद ये टास्क उनको ही दे दिया जाता है। विक्रम अपने ग्रुप को मोटिवेट करते हैं और कैप्चर करने के लिए निकल जाते हैं। एक इंटेंस फाइट के बाद विक्रम लास्ट बंकर को भी ब्लास्ट कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वॉर जीत गए हैं, पर अचानक तभी पाकिस्तानी सोल्जर्स हिडन बंकर से अटैक करते हैं। विक्रम को कमांडर बताते हैं कि पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट आने वाली है, उनके आने से पहले उन्हें 0.4875 को कैप्चर करना होगा, नहीं तो ये मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। डेल्टा टीम हिडन बंकर को भी ख़त्म कर देते हैं और इंडिया ये वॉर जीत जाती है, पर विक्रम सर इसमें शहीद हो जाते हैं। आगे विक्रम सर का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जो बहुत इमोशनल सीन है और बी पराग के गाने आपको रुला ही देंगे। आगे विक्रम सर की रियल फोटोज वीडियोस दिखाया जाता है। उनके फादर परमवीर चक्र लेते हुए भी दिखाए जाते हैं। आगे उनके सभी क्रूमेट्स के रियल फोटोज दिखाए जाते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि विक्रम की 25 साल की उम्र में मरने के बाद भी डिम्पल चीमा ने आज तक शादी नहीं किया और वो एक स्कूल में टीचर हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू ऑल इन्जॉयड। गो एंड वॉच आउट होल मूवी ऑन Amazon Prime। इफ़ यू वॉन्ट फ्री लिंक देन DM मी ऑन Instagram। Check the links in description. Thank you.